सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अश्लील वीडियो तो जिला कारागार में क्यों मच गया हड़कंप? तो क्या सच में किया जाता रहा है महिलाओं को उनके परिवारी जनों से मिलवाए जाने के नाम पर शारीरिक शोषण? खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। डिप्टी जेलर के स्थानांतरण के बाद भी सभासद पति कैसे प्रयोग करता रहा सरकारी आवास? यूपी के बाराबंकी में एक अश्लील वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को वायरल होने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ उच्च अधिकारियों के होश भी उड़ गए हैं। आखिर क्या है वीडियो और इस वीडियो के पीछे जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की क्या सच्चाई है? वैसे हम आपको बता दें कि इस वीडियो को वायरल करने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि बाराबंकी में जेल में बंद महिला कैदियों को उनके रिश्तेदारों तथा उनके परिवारजनों से मिलाने के नाम पर उनका यौन शोषण किया जाता रहा है। स्थानीय लोगों की अगर बात माने तो उनका यह कहना है कि सरकारी आवास में यह खेल काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इस समय किसी ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया। क्या है इन दावों की हकीकत, इस संबंध में हमने जेल अधीक्षक HB सिंह से भी पूरी बात की। क्या है पूरा मामला, आई डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। यह चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां सिद्धार्थनगर जनपद में तैनात डिप्टी जेलर के पति का कथित अश्लील हरकत करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सिद्धार्थनगर जेल में तैनात गीता रानी का परिवार जनपद के सरकारी आवास पर रहता है। डिप्टी जेलर के पति जो कि सभासद भी हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जेल में महिला कैदियों के साथ उनके पति और रिश्तेदारों को मिलवाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों का दबी जुबान कहना है कि इसके पूर्व भी डिप्टी जेलर के सभासद पति तीरथ राम पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। इस बार किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास किस प्रकार से संबंधित के अधिकार में रहा। वहीं इस मामले को लेकर शासन ने भी अब रिपोर्ट तलब की है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि वायरल वीडियो सरकारी आवास का है अथवा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कोई सामने भी नहीं आया है। फिर भी पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन भी गंभीरता से जुटा हुआ है एवं मामले की FIR करा दी गई है। जेल अधीक्षक का कहना है कि आवास खाली कराए जाने के संबंध में नोटिस निर्गत कर दी गई है। वहीं आवास खाली न किए जाने पर उनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने की भी बात कही जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अवगत हुआ और मैंने वीडियो देखा, तो उसमें जो कहा जा रहा है कि वो जेल परिसर का ही है, तो वो जो है जिस मकान का बताया जा रहा है और जिस व्यक्ति का बताया जा रहा है उसका नाम है राम तीर्थ चौधरी और वो जेल वार्ड नंबर 4 का नगर पालिका जो भी है उसका पार्षद है। लगातार ये दूसरे टेन्योर में पार्षद है। उसकी पत्नी यहीं पर हेडवार्डर थी, मिसेस गीता रानी, और अब वो प्रमोशन पा करके चली गई है संत कबीर नगर, तो ये उसी के नाम से आवास आवंटित है। तो उसमें ये है कि वो किसी महिला के साथ उसको अश्लील हरकत करते हुए दिखाया गया है। तो मेरे द्वारा जानकारी की गई तो ये बताया गया कि साहब ये हफ्ते 10 दिन से तो आई नहीं है, ताला बंद है उस मकान में और अकेला ही रहता है, और तो एक महिला उसकी जिसको रिश्तेदार अपना बताता है वो उसके यहाँ अक्सर आया करती है। तो ये मुझे मैंने जानकारी की और तदनुसार मैंने जो है कोतवाली में FIR दर्ज कराई है कि इसकी जांच करके इसके विरुद्ध जो है अगर दोषी है तो वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये बात जो आप बता रहे हैं बहुत गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि उससे और बंदियों से मुलाकात करने आने वाले उनके परिजनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पार्षद है, वार्ड का पार्षद है, ना कि हमारी मतलब कारागार का कोई कर्मचारी। और वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो सीधे गेट के सामने रहती हैं, वहाँ से कोई इधर उधर जाती भी नहीं। और ये भी अब मैं एक तथ्य आप लोग जानने लायक है कि मुलाकात अभी तक प्रतिबंधित थी और मुश्किल से एक आध हफ्ते हुआ है मुलाकात फिर से चालू होने की। तो ऐसी स्थितियों में, और ये बताया जा रहा है कि ये 15-20 दिन पहले की है, तो ये एकदम गलत है कि वो किसी बंदी से मिलने आने वाली महिला का शोषण है या ऐसा कुछ है, एकदम गलत है। अवगत करा दिया गया है और अब गीता रानी से तत्काल मकान खाली करने के लिए मैंने नोटिस भेजी है, और यदि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर नहीं खाली किया तो उनके विरुद्ध मैं वैधानिक कार्रवाई करूँगा।